ये सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। इक्कीसवीं सदी के आधुनिक और तेजी से विकास की रफ्तार पकड़ रहे नवी मुंबई शहर में बजट होम से लेकर लग्जरियस प्रोजेक्ट्स की सौगात देने वाले क्रेडाई BANM आयोजित 20th मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन 2022 का समापन बड़े ही शानदार तरीके से हुआ। बेहतरीन फुटफॉल के साथ डिमांडिंग नवी मुंबई शहर में अपने सपनों का आशियाना ढूंढने आए जेन्युइन होम बायर्स के ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स ने न केवल इस प्रदर्शनी को सक्सेसफुल बनाया बल्कि अफोर्डेबल घरों में लग्जरियस एमिनिटीज के लिए सिर्फ नवी मुंबई को ही बेस्ट ऑप्शन माना। इसलिए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाले और एग्जीबिशन में हिस्सा लेने वाले 56 से भी अधिक बिल्डरों का उनके स्टॉल पर जाकर BANM के सदस्यों ने ट्रॉफी देकर उन्हें सम्मानित किया। क्रेडाई BANM के ट्रस्टी भूपेंद्र शाह, अध्यक्ष हरेश छेड़ा और इमीडिएट पास प्रेसिडेंट देवांग त्रिवेदी ने 2 साल के कोरोना काल के बाद भी प्रदर्शनी को लोगों के मिले जबरदस्त रिस्पांस को लाजवाब बताकर जॉब अपॉर्चुनिटीज और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को देख नवी मुंबई की ओर बढ़ता लोगों के आकर्षण की ओर खुशी जताई। 4 दिन का सफर बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। ये जो मंडे का जो एक्सपीरियंस आज का था वो सुपरलेटिव एक्सपीरियंस था। हम लोगों को कभी भी 4th डे पे इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है जितना आज मिला है। तो आखा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ही अच्छा था और कन्वर्जन भी बहुत अच्छे हुए हैं। ऑल बिल्डर्स आर हैप्पी। कस्टमर्स का इंक्वायरी बहुत ही अच्छी थी, सीरियस बायर्स थे। मतलब ये फैमिली क्राउड का घूमने वाले बहुत कम थे, सीरियस बायर्स बहुत थे। हर एक स्टॉल पे करीबन एक एग्जीबिटर के पास आधा एक घंटा हर कस्टमर स्पेंड कर रहा था और ओवरऑल एग्जीबिशन में 3-4 घंटा हर फुटफॉल वाले स्पेंड कर रहे थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ये अलग टाइप का था। मैच्योर्ड पब्लिक थी और ये मैच्योर्ड एग्जीबिशन हुआ है। हम लोग का एक इंटेंशन ही ये था कि हमको एक ब्रेक लेना था, बिकॉज कोरोना के बीच में दो अढ़ाई साल में कोई भी इंफॉर्मेशन कस्टमर के पास नहीं थी। बिल्डिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितने प्रोजेक्ट बंद हो गए, कितने चले गए, कौन बिल्डर आज कोविड में उसको कितनी तकलीफें हुई है, ये सब इनको अंदाज नहीं था। एवरीवन वाज जस्ट थिंकिंग क्या होएगा क्या नहीं होएगा। सो हम क्लैरिटी के लिए हमने ये एग्जीबिशन रखा है और पब्लिक ने ये क्लैरिटी एक्सेप्ट किया है एंड दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। हम लोगों को पब्लिक से डिमांड आई है और मेम्बर्स को भी डिमांड आई है कि ये एग्जीबिशन हर 6 महीने रखना पड़ेगा। 2 साल जो कोविड के थे, इट वॉज वेरी चैलेंजिंग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द डिसीजन टू बी टेकन दैट एग्जीबिशन यहाँ पे होना चाहिए और इस कार्यकाल में और इस टाइम पे होना चाहिए, वो ही एक बहुत बड़ा ब्रेव डिसीजन था। एंड एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ सोसाइटी, इफ़ वी आर टेकिंग अ कॉल कि स्पिरिट जो है कि कुछ ना कुछ करना है, उसके लिए इतने सारे डेवलपर्स आए। और आपने देखा होगा कि डेवलपर्स ने, इट इज़ नॉट ओनली टेकिंग स्टॉल बट आफ्टर दैट लॉट ऑफ एफर्ट्स गो इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट, उसकी मार्केटिंग, उसमें आज इतना एक्सपेंसिस होता है तो उससे पूरी इकोनॉमी चलती है। एंड दैट इकोनॉमी जो चलती है वो भी एक पॉजिटिव आस्पेक्ट है। और कभी भी आप कोई भी एग्जीबिशन हो या इसका सक्सेस है, खाली फुटफॉल खाली सेल के माध्यम से नहीं देख सकते। यू हैव टू टेक अदर पैरामीटर्स इनटू कंसीडरेशन। पैरामीटर्स इंक्लूड अवेयरनेस नवी मुंबई को लेके, क्या लेवल पे लेके आ रहे हैं हम लोग। सेकंड, द काइंड ऑफ डिग्निटरीज दैट आर देयर। आज काफ़ी सारे ऑफिसर्स है फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल,
पुलिस पीपल, NMMC, सिडको, वो विजिट करते तो एक उनको भी एक पल्स पता चलता है। और आपस में मैं तो बोलता हूँ, इवन एज अ डेवलपर मुझे बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, मैं भी लोगों को प्रश्न पूछता हूँ कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है। आज ये सब चीज़ें ऑफिस में बैठ के नहीं हो सकती। आज मैं एक ट्रेंड देखी कि आज पहले मीडिया क्या था, आज देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज यूट्यूब मीडिया, देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज गुरिल्ला मीडिया, देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज, आज बहुत सारे मीडिया के भी जो है सोशल मीडिया का पावर क्या है आज। सो वी हैव अंडरस्टूड, ये ऑफिस में बैठ के कितनी बार हमें पता चलता है, नहीं पता चलता है। सो एग्जीबिशन के को सक्सेस, आपने पूछा सक्सेस क्या है, तो मुझे ये लगता है सक्सेस सबसे बड़ी है स्पिरिट की, कि हमने एग्जीबिशन किया और उसके बाद में जो भी बाई प्रोडक्ट्स आते हैं, वेदर इट इज़ अवेयरनेस, वेदर इट इज़ बिजनेस, वेदर इट इज़ बूस्टिंग इकोनॉमी, और वेदर इट इज़ जस्ट विचारों के आप ले। आज न्यू बॉम्बे में एक ट्रेंड आया है, अफोर्डेबल तो ऑलवेज था, अफोर्डेबल पहले न्यू बॉम्बे था, अभी पेरीफरी अफोर्डेबल हो गई, लेकिन आज न्यू बॉम्बे में मिड सेगमेंट, मिड लग्जरी, लग्जरी की बातें हो रही है, कनेक्टिविटी की बातें हो रही है। एंड एक चीज़ आप, वी आर नॉट बोस्टिंग, बट वन थिंग इज डेफिनेटली देयर, जो सीनियर ऑफिसर्स आते हैं, मंत्रालय से आते हैं, सेंटर से आते हैं, वो एक इन्फ्लुएंस लेके जाते हैं। व्हेन वी सी स्टॉल्स लाइक पैराडाइज, व्हेन वी सी स्टॉल्स लाइक डेल्टा, EVOMs, रीडेवलपमेंट में जो वहाँ की स्पिरिट देखते हैं, तो उनको भी लगता है। तो उन जब यहाँ पर आते हैं तो कितनी बार ऑफिसर बोलते हैं कि यार हमको आपको सपोर्ट करना चाहिए, पहले उनको क्या लगता है कि ये डेवलपर है, ये बिल्डर है, बट यहाँ पर आते हैं तो उनको, हमको देखने का एक नजरिया जो है वो चेंज होता है। इतना ही नहीं तो ट्रस्टी भूपेंद्र शाह ने अगली बार से क्रेडाई BNM की प्रदर्शनी साल में 2 बार आयोजित करने का ऐलान भी किया। फुटबॉल बोले तो अनबिलीवेबल, जब हमने ये एग्जीबिशन सोचा था कि मई महीने में करने का, तो इज़ अ बिग चैलेंज। अगर हमको एग्जीबिशन सेंटर मिलता था तो डेफिनेटली अभी का जो परफॉर्मेंस है उससे भी अच्छा रहता था, इससे अच्छा फुटबॉल रहता था। तो जब ये पंडाल में करना था, लास्ट 10 साल से हम लोग पंडाल में नहीं, एग्जीबिशन सेंटर जब से बना है उसके अंदर कर रहे हैं, उसके बावजूद हमको जो फुटबॉल ये 4 में मिला, एक्चुअल फुटबॉल नहीं, तो हर टाइम में क्या होता था, ट्रेन आई गिर दी आई, ट्रेन आई गिर दी आई, वैसा इस टाइप का नहीं था जो एक्चुअल जिसको खरीदना का, तभी इतनी बाहर धूप है 40-42 डिग्री के अंदर यहाँ पे इतना फुटफॉल आया, ये बड़ी हमको अभिमान की बात है। मतलब BNM ने आज तक जितने आइए 19 एग्जीबिशन किए, लेकिन इस टाइप का एक्चुअल बायर का, एक्चुअल इंटरेस्ट का, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे भी ज़्यादा यहाँ पर फुटफॉल आया, ये हमारे लिए अचीवमेंट किए, ये तो हमारी बात है। यहाँ पर SBI वाले फिलहाल, अभी मैं आपको इधर आए, उसके पहले वो हमने मेरा फैसिलिटेट करने को आए थे मेरा, कि भाई ऐसा एग्जीबिशन हमने कहाँ पे भी नहीं देखा, कहाँ पे भी हमने ऐसा एग्जीबिशन नहीं देखा। और उन्होंने, बड़ी मैनेजमेंट वाले आए थे, उन्होंने बताया कि इससे भी बड़ा स्टॉल अभी आइंदा हमको देना, और हमको यहाँ पे BNM के साथ जुड़ना है तो कैसे जुड़ सकते। अभी अभी आपके पास आने के पहले वहाँ से ही आया मैं, और वो अभी सबका सम्मान करते हैं कि हम लोग BNM के साथ कैसे जुड़े। अगर SBI BNM के साथ जुड़े, एग्जीबिशन में जुड़े, तो अपन को इसका फ़ायदा आने वाले जो हमारे पास कस्टमर है उनको भी मिलेगा, क्योंकि हम होलसेल के अंदर साथ में ही बल्क जंक में उनके साथ इंटरेस्ट का हम नेगोशिएशन कर सकते हैं। रहा सवाल यहाँ पे पार्टिसिपेट जितने भी थे हमारे को, मेन तो हमारे जितने बिल्डर भाई है उनका पार्टिसिपेशन करना और उनको वो सेटिस्फेक्शन मिलना, उनको यहाँ पे आज 25-50 लाख अगर खर्चा करता है उसका बेनिफिट उसको मिलना, वो हमारा मेन मकसद रहता है, वो हमारा अचीवमेंट जो हमारा रहता है मेन, वो अचीवमेंट रहता है, वो बेस्ट में बेस्ट हमारा अचीवमेंट हुआ है। और ये थैंक्स फॉर हमारी पूरी यूथ की टीम, जो इन्होंने ये चैलेंज वाला जॉब उठा लिया और चैलेंज से वेरी शॉर्ट पीरियड, 1 महीने के पीरियड के अंदर किया, उसका मुझे गर्व है। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।